देश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर के एसके स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित रहे। उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। यहाँ यह भी बताते चले कि कोरोना महामारी को लेकर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम ज्यादा बड़ा नहीं रखा गया। इस कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होने दी गई। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। छात्रों ने मुंह पर मास्क लगाकर ही अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं इस अवसर पर समाज सेवियों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद रखा गया। साथ ही श्रीनगर में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपनी नजर बनाए रखी। यहां बताते चले कि इस दौरान उपराज्यपाल ने अपना संबोधन दिया और स्वतंत्रता दिवस का महत्व बताया। उनके द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। आज की इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अभी चंद रोज पहले ही कार्यभार संभाला है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल की हैसियत से। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपने आप की भावना के अनुरूप जोड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। जहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है उससे तो हम सभी वंचित। जम्मू और कश्मीर के जाने कितने महानायकों ने मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान दिया।
जम्मू और कश्मीर के सभी ने महावीर चक्र से सम्मानित शहीद ब्रिगेडियर राजन जैसे वीर सेनानियों को पूजन किया। आज गवाह है 1947 में जम्मू क्षेत्र में दुश्मनों ने हमला किया तो ब्रिगेडियर राजन एक चट्टान की तरफ दुश्मनों के रास्ते में खड़े। उन्होंने अंतिम सांस तक दुश्मनों से जम्मू और कश्मीर की जमीन को बचाया। उन्हें कई गोलियां लगी लेकिन वे चट्टान की तरफ दुश्मनों के सामने डटे रहे। संत में दुश्मन को उल्टे पांव दौड़ने पर मजबूर होना था। इसी तरह दशकों तक इंसानियत आतंकवाद से हाथ धीरे थी। जमहूरियत जिसे स्वाद नहीं बन गई और कश्मीरियत जिससे नफरत भेद कर दी। बहुत दुख की बात है संक्रांत की बात बच्चों की कहानी को संप्रदायवाद की कहानी ने धूम कर दी। लेकिन एक बार फिर नरेटिव को बदलना चाहते विकास शांति प्रगति और सामाजिक सद्भाव जम्मू और कश्मीर के नरेटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। मित्रों भाई और बहनों 2019 में संवैधानिक परिवर्तन के बाद 30 दिनों में केंद्र सरकार ने एक नहीं दो नहीं बल्कि राज्य की तस्वीर बदलने वाले 50 से ज्यादा बड़े फैसले पिछले एक साल में किए गए बदलावों से समानता और विकास स्थापित करने का एक नया दौर शुरू हुआ। तरक्की बहबूद और तब्दीली रवैये और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.